हेलो दोस्त, रेलवे एलपी सीबीटी 2 परीक्षा का आंसर की समाप्त हो गया है, लेकिन लोगों की हज़ार कॉमटे, हज़ार टाइप की समस्या, हज़ार प्रॉब्लम, और ख़ास करके यहाँ बात करेंगे पीसीएम बीएस आईटीआई, जिसमें लोग कह रहे हैं कि क्या टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या कैंडिडेट का क्या नेचर है। तो चलिए सारा चीज़ ख़त्म करते हैं और क्वायरी जो लोगों का आ रहा है उसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सुनिएगा, कॉमेंट नंबर वन, आईटीआई वाले पढ़ते नहीं। दूसरा कमेंट, जो अपने ट्रेड में पास नहीं हो सकता उनके लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या क्या किस तरह के लोगों का कमेंट आ रहा है। और तीसरा कमेंट है आईटीआई की औकात नहीं, नौकरी लेना। और चौथा बात कर रहे हैं आईटीआई वाले अच्छा नहीं है और ये नौकरी नहीं कर पाएंगे। और ये कौन कह सकता है, ये समझ सकते हैं पीसीएम कैंडिडेट। तो देखिए, किसी भी गवर्नमेंट की जॉब की डिजाइन होती है और डिजाइन होती है उसमें इस बार रेलवे ने आईटीआई के साथ पोस्ट में तो इंसाफ़ी किया है, लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न में ना इंसाफ़ी किया है। 100% कोई नहीं कह सकता रेलवे ने अच्छा किया है। कैसे, मैं आपके साथ एक एक चीज़ के बात करता हूँ। आईटीआई नहीं पढ़ते, ध्यान दीजिएगा, आईटीआई का सीबीटी 1 सिलेबस लिया गया, कोई टेक्निकल क्वेश्चन था क्या, एक भी क्वेश्चन? अगर यहाँ पे 35 लाख लोग एग्ज़ाम दिए, उसमें से 13.2 क्वालिफाई हुए हैं लाख्स में। अब ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे कि जो आईटीआई का ट्रेड पढ़ने वाले थे तो मैक्सिमम यही डिसलेक्ट हो गए, उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार से कोई क्वेश्चन नहीं था। सारा क्वेश्चन किससे था, पीसीएम के क्वेश्चन थे। पीसीएम के क्वेश्चन माने तो आपने क्या पढ़ा, मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, और जो टॉपिक पढ़ा करेंट अफेयर का पढ़ा, और कुछ साइंस का टॉपिक पढ़ा। ये सारे टॉपिक किसके थे, एक भी आईटीआई का है इसमें, बिल्कुल नहीं था। तो कहें कि जो आईटीआई में ट्रेड में अच्छा कर सकता था वहाँ रेलवे ने सीबीटी 1 में छटाई कर दी, यानी सारे आईटीआई वाले अच्छे कैंडिडेट वहाँ छट गए। अब दूसरी बात करते हैं कि जो ट्रेड में पास नहीं हो सकता, ट्रेड में पास होने के लिए जब ट्रेड पास होना था तो यहाँ पे क्वालिफाई नेचर नहीं, इससे मेन एग्ज़ाम रखना था सीबीटी 2 में पार्ट बी को, यानी पार्ट ए का क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा जाए और पार्ट बी का क्वेश्चन पार्ट ए में पूछा जाए और पार्ट ए में सारा क्वेश्चन टेक्निकल हो। कितने कैंडिडेट पीसीएम से होंगे कि पास कर जाते, 10% भी नहीं। वही कंडीशन यहाँ आईटीआई वाले के साथ हुआ है। अभी इतना तो होने के बाद भी कहें, एक और कंडीशन हुआ कि आईटीआई की औकात नहीं है, आईटीआई वाले अच्छे से नौकरी नहीं कर पाए। अब बात करते हैं पार्ट बी के लिए। तो पार्ट बी में एक तरफ से इनका चुनौती था कि नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है, नॉन टेक्निकल में, जिसे पार्ट ए में, क्योंकि यहाँ पे आपको मेरिट बनने वाली थी। अगर यहाँ अच्छा नंबर नहीं लाते, पार्ट बी पास भी हो जाते तो ये डिसलेक्ट फिर से हो गए थे जो कैंडिडेट पास भी हुआ था। अब यहाँ दूसरी कंडीशन में कहते हैं कि पार्ट बी का जो एग्ज़ाम लिया गया, लोगों ने तैयारी जो किया, नहीं पढ़ने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, तैयारी भी किया, उसमें प्रश्न पूछ दिए 60 से 70% डिप्लोमा और डिग्री का, डिप्लोमा एंड डिग्री के क्वेश्चन है, और ये सामने आंसर की में सबके साथ है। तो रेलवे ने क्या आईटीआई को पेपर लेना था कि डिप्लोमा का पेपर लेना था? कहते हैं रेलवे का ही रूल कहता है कि हमें आईटीआई की पोस्ट पे डिप्लोमा और डिग्री नहीं लेना है, लेकिन हम आपसे प्रश्न जो पूछेंगे वो डिग्री और डिप्लोमा का पूछेंगे। तो ये क्या कह सकते हैं, रेलवे के अच्छा पैटर्न बनाया है, बिल्कुल नहीं पैटर्न बनाया। रेलवे ने अपनी मेहनत को बचाने के लिए आईटीआई वाले से डिप्लोमा के क्वेश्चन पूछ दिए, क्योंकि जब नोटिस आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है आईटीआई को अपने ट्रेड से एग्ज़ाम देना है, डिप्लोमा को कॉम्बिनेशन में देना है। ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो इंस्ट्रूमेशन वगैरह सबसे पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आईटीआई के पार्ट बी में अगर बात करें, आपका ट्रेड इलेक्ट्रिकल है तो आपके क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक से, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक से, वेल्डर से, टर्नर से, इवेन कई सारे ट्रेडों का कॉम्बिनेशन मिला दिया है। तो ये क्या क्वेश्चन डिप्लोमा वाले आईटीआई वाले से आपने पूछ दिया, तो क्या ये क्वालिफाई होंगे क्या?
ये भी बहुत बड़ी सच है। तो इसलिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ख़त्म कर दें ये कमेंट करना, क्योंकि रेलवे ने पहले ही बहुत गलत तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है इस बार, और CBT 2 में तो इन्होंने हद ही कर दिया। जब एक ही पेपर को 21 तारीख को थर्ड शिफ्ट में, 22 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम में कन्वे कर दिया, यानी कह सकते हैं अगर 22 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेट की लिहाज से देखें, 13 का 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, ध्यान दीजिएगा 13.2 लाख एग्ज़ाम दिए हैं कैंडिडेट, और 9 लाख कैंडिडेट केवल ने 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, सॉरी 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, यानी 22 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट दिए। जब पोस्ट 64,000 है उसमें से 1 लाख कैंडिडेट को क्वेश्चन रिपीट मिल गया, तो क्या बाकी के लिए ऑप्शन बनता है क्या? तो 21 तारीख वाले को बेनिफिट नहीं मिला, 22 तारीख का वाले को पूरी बेनिफिट मिला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ खास करके PCM कैंडिडेट को, जो आपने अच्छा किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार ITI के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में रेलवे ने दोनों को कंबाइन करके टेक्निकल पार्ट को टेक्निकल रहने ही नहीं दिया है। तो रेलवे को कैंडिडेट में ज़रूर सोचना चाहिए फ्यूचर में कि अगर टेक्निकल एग्ज़ाम लेना है तो टेक्निकल लें, नॉन टेक्निकल लेना है तो नॉन टेक्निकल लें, कम से कम ये पार्ट बी वाला जो क्वालिफाई रखा था इसको फुल स्ट्रेंथ में रखते, यानी पार्ट बी से मेरिट बनेगी, पार्ट ए क्वालिफाई करना है, ये बेटर कंडीशन था। थैंक यू, धन्यवाद।